आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का 214वां जन्मदिन। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैटी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। समर्थकों ने प्रतिमा में फूलमाला पहनाकर केक काटकर आपस में मिठाई व केक वितरित कर खुशी जाहिर की। भारत के कई राज्यों में संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा संबंधी इलाज किया जा रहा है। इलाज से रोगियों को जटिल समस्या से निजात भी मिल रही है। डॉक्टर देवनंद सागर ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा जगत की नींव डालने वाले डॉक्टर काउंट सीजर मैटी कई सौ वर्षों पहले अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधि से इलाज करने की शुरुआत की थी। इलाज की खास बात यह है कि किसी भी तरह का संक्रमण नहीं होता। इलाज और सही निर्देशों का निरंतर पालन करने से मरीजों की जटिल से जटिल बीमारी को भी समाप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इकाई के कोरिया में डॉक्टर रश्मि के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा मरीजों का कुशल इलाज किया जा रहा है। जल्द से जल्द बड़े स्तर में क्लिनिक और अस्पताल खोलकर लोगों का इलाज करवाया जाता है। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैट्री का जन्मदिवस कोरिया इकाई में बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कानपुर उत्तर प्रदेश से जिला ब्यूरो विपिन कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर देवानंद सागर। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम 214वां जन्म दिवस डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का जन्म दिवस मनाने जो है ग्राम कोनिया पोस्ट कोनिया जिला कानपुर देहात तो जो है जिला प्रभारी डॉक्टर रश्मि के यहाँ कार्यालय में उपस्थित हुए। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है काउंट सीजर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्म दिवस मनाने के लिए उपलब्ध में कौन कौन से इलाज किए जाते हैं और क्या प्राथमिकता है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जो है हर तरीके के जो बीमारी बहुत सरल और जो है सहज ढंग से ट्रीटमेंट किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति की दवाएं कभी जो है रिएक्शन नहीं करती, साइड इफेक्ट नहीं डालती और पूरे जो है हर्बल बेस पे मतलब ये मेडिसिन जो है कार्य करती हैं। कितने जिलों में आपकी संस्था कार्य कर रही है? हमारे जो है पूरे ऑल इंडिया में काम कर रही है और जिसमें कि हमारा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 6 बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश को शासन ने जो है 2012 में इसके लिए शासन आदेश जारी किया था कि आप जो है अपने उत्तर प्रदेश में जो है चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान कार्य आप करने का अधिकार दिया जा रहा है, जिसमें कि जो है हर जिले में एक जिला प्रभारी नियुक्त किया गया और जो है इंस्टीट्यूट खोले गए और जो चिकित्सक हैं हर जिले में चिकित्सक भी अपनी चिकित्सा पद्धति से कार्य कर रहे हैं, सफलता मिल रही है और जो है अच्छा रिस्पांस जो है लोगों को दिया जा रहा है और कम खर्च में जो है इसका ट्रीटमेंट उपलब्धता हो रही है। दिनों दिन इसकी जनश्रुति या जागृति करने के लिए शासन की मंशा है कि जो है इस चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुँचाया जाए और जो है इस चिकित्सा पद्धति की जानकारी के लिए लोगों को गोष्ठियाँ और जो है मुख्यतः कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है? इसमें जो है एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी ये अन्य चिकित्सा पद्धति से जो बीमारियाँ नहीं जा रही हैं क्रॉनिक बीमारियाँ मानी पुरानी से पुरानी बीमारियाँ जो है इस चिकित्सा पद्धति से जो है ठीक किए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।